कुछ अद्भुत शक्ति किसी के अंदर हो। आप देखिए मेरी आंखें बंद नहीं होती बिल्कुल भी, जब ये हो रहा होता है ना मैं एक बार भी ब्लिंक नहीं करता हूँ। देखिए मैं माइंड पावर से ये कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से आ गया या अचानक से शक्ति आ गया, ऐसा कुछ हुआ है। ये आंखें हैं या फरेब जो दिल को छूकर दिमाग चुरा लेती हैं, जो आपकी मन की बात जान सकता है, आपके मन को कंट्रोल कर सकता है। ये उंगलियां हैं या कोई रहस्य बिना करंट बिजली का तूफान ला देती हैं। जो दिख रहा है वो होता नहीं, जो होता नहीं वो महसूस कैसे हो रहा है। Just tell me yes or no, आपको मैंने हल्का से कहीं और टच किया था? Yeah. कहां पर? चीन पे। ये अद्भुत विज्ञान है, कोई अविश्वसनीय तिलिस्म है, या ये है कोई अकल्पनीय माया जाल? नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में हमने अब तक आपको एक से बढ़कर एक अद्भुत चीजें दिखाई हैं। इंसानी शरीर की अद्भुत क्षमता दिखाई है, अद्भुत ताकत दिखाई है, लेकिन आज बारी है इंसान के दिमाग की। हम आपको आज जादूगरों की दुनिया में लिए चलेंगे। हम किसी चालबाजी की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर, बल्कि हम सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या ये मुमकिन है कि किसी चीज को बिना छुए सिर्फ देखकर उसे उसकी जगह से हिला दिया जाए? क्या ये मुमकिन है कि किसी चीज को बिना छुए उसे मोड़ दिया जाए सिर्फ अपने दिमाग की ताकत से? क्या यह मुमकिन है कि आप जो सोच रहे हैं वो सामने वाले शख्स को हूबहू समझ में आ जाए? चलिए हमारे साथ आज इस जादुई सफर पर। कभी कभी आंखों देखा सच लगता है, लेकिन सच की कसौटी पर वो भ्रम निकलता है, और कभी कभी जो भ्रम लगता है वो तर्कों और रिसर्च की कसौटी पर सच निकलता है। इसी भ्रम और सच के बीच के अंतर को कुछ लोग ट्रिक कहते हैं, कुछ लोग उसे हाथ की सफाई कहते हैं, कुछ इसे जादू कहते हैं, और इसी कड़ी में आते हैं ये लोग। इन्हें मेंटलिस्ट कहिए, माइंड रीडर कहिए, या तकनीकी शब्दों में टेलीकाइनेसिस एक्सपर्ट्स। ये आंखों के रास्ते दिमाग पर कब्जा करके ऐसे करतब दिखाते हैं जिन पर आंखों देखा होने के बावजूद यकीन करना नामुमकिन होता है। कोई कैसे किसी के दिमाग पर कब्जा कर सकता है? क्या उनके दायरे में सिर्फ इंसानी दिमाग ही आते हैं? और कैसी होती है उनकी दुनिया? इन सवालों के जवाब की तलाश हमें मुंबई ले आई, मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में, जहां हमारे सवालों के जवाब हमारा इंतजार कर रहे थे। हाय, वेलकम। ऑफिस, घर, दोनों? दोनों। पता चला और ये उन्होंने प्रूव कर दिया था कि ये होता है, सचमुच होता है कि वो बैठे हुए और पीछे बस कोई बंदा खड़ा होगा उसे वो देख रहा है। उसको पता चला कोई देख रहा है। मंगेश पूरी दुनिया में जिस प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं उसे लोग जादू कहते हैं, लेकिन मंगेश उसे जादू नहीं मानते। Someone who has sixth sense, someone sixth sense है, या फिर ESP यानी कि extra sensory perception जिसके पास होती है, या माइंड रीडर जो आपकी मन की बात जान सकता है, आपके मन को कंट्रोल कर सकता है। पता चला कि यार इसमें साइंस बहुत यूज होता है, ऑफकोर्स हर आर्ट में होता है। हमारा दिमाग मंगेश की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिल इन तर्कों से बहलने को तैयार नहीं था। हम सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहते थे ताकि खुद अपने विवेक की बुनियाद पर जांच कर सके। तो अगर मैं इस पे
फोकस करूं, अगर मैं इसको देखते रहूं, जैसे इसमें कोई, ये कैसे संभव था? बिना किसी मदद के नट बोल्ट में ऐसे घूम रहा था जैसे किसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन में घूमता है, जबकि हमारे सामने सिर्फ मंगेश थे जो नट बोल्ट को बिना पलक झपकाए घूर कर देख रहे थे, और वो नट तेजी से घूम रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मंगेश की आंखों से कोई अदृश्य ऊर्जा निकल रही थी जो नट को घुमा रही थी, और पलक झपकते ही नट बोल्ट से बाहर निकल गया। लेकिन क्या वाकई ऐसी कोई ऊर्जा थी? जवाब सिर्फ मंगेश के पास था। जैसे लोग सोचते हैं वैसी माइंड पावर नहीं है। जैसे लोग सोचते हैं कि कुछ अद्भुत शक्ति किसी के अंदर हो, ऐसी माइंड पावर नहीं है। ये ऐसे एक माइंड पावर है जो कोई भी अगर इनफ प्रैक्टिस करे तो वो भी कर सकता है। हमें कुछ समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ, लेकिन हुआ था और हमारी आंखों के सामने हुआ था। हैरत का सफर शुरू हो चुका था, लेकिन इस वक्त हम मंगेश के घर पर थे। हर सामान उनका अपना था। हमें संदेह था कि कहीं सब कुछ फिक्स तो नहीं। आपको लग रहा है कि अगर ये स्पेशल है तो ये तो आपका गॉगल है, ये तो आप ही पहन के आए थी, बराबर? अगर आप इसको देखोगे, हमने माइंड रीडर के बारे में पढ़ा था, हमने मेंटलिस्ट के बारे में सुना था, लेकिन हम मंगेश के जिन कारनामों को देख रहे थे वो तो अद्भुत थे। इसमें तो ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग से कोई ताकत आंखों के रास्ते निकलती है और अपना असर दिखाती है। हमने साफ साफ देखा कि मंगेश ने हमारे चश्मे को छुआ तक नहीं, लेकिन वो उसकी उंगलियों के सिर्फ इशारे से ही पलट गया। हमने देखा था वो सब, लेकिन यकीन नहीं हो रहा था। अब ऑफ कोर्स ये आपका मेटल का है, तो कभी भी लोगों को शक होता है कि वही है अभी भी। नहीं, तो आप ही का है, तो आप तो मंगेश एक के बाद एक करतब करते जा रहे थे। बिना हाथ लगाए गिरा। हाँ, आप, मैं थोड़ा स्लो करता हूँ। लेकिन वो बार बार स्टील के कांटे या नट बोल्ट का ही इस्तेमाल कर रहे थे। हमें लगा कहीं इसके पीछे किसी तरह के किसी चुंबक का प्रभाव तो नहीं है, कोई चुंबक जो हाथों में छिपा।
ये फोक, इस फोक को आप मूव कर सकते हैं जैसे उस स्टील के फोक को किया था। लिहाजा हमने उनको प्लास्टिक का एक कांटा दिया। एक बार को हमें लगा कि वो असहज है, लेकिन हमारा अंदाजा गलत निकला। ये बहुत ही हल्का हो जाता है ना। दिमाग तरह तरह के तर्क दे रहा था, लेकिन जो प्रत्यक्ष था उसके सामने कोई तर्क नहीं ठहरता था। हम सवालों के जवाब तलाशने आए थे, लेकिन खुद जवाबों में उलझ रहे थे। हम मंगेश के साथ एक छोटे से कमरे में थे जिसमें दुनिया भर का रहस्य बिखरा हुआ था। जितना हम उन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करते थे उतना ही उलझते जा रहे थे। मंगेश का कहना था कि वो सामने वाले के दिमाग को पढ़ सकते हैं। यकीन नहीं हो रहा था कि कोई कैसे किसी के दिमाग को पढ़ सकता है। अभी यहाँ पे मैं आपके अंदर दिमाग में थॉट डाल रहा हूँ या आपका माइंड रीड कर रहा हूँ, ये तो आप ही डिसाइड कीजिए। मेरे पास एक पेंसिल है और एक ब्लैंक पेपर है, अगर आप देख सकते हो तो इसके ऊपर मैं एक 2-डिजिट नंबर लिखूंगा। आपको नहीं बताऊंगा क्या नंबर है, लेकिन कोशिश करेंगे कि शायद आप और आप वो जान जाएंगे या फिर मैं मैच कर पाऊंगा जो आपके दिमाग में है। सो आई जस्ट स्टार्ट विद इट। अभी इस पे तो मैंने एक नंबर लिख दिया है, राइट? मैं आपको बताऊंगा पहला डिजिट क्या है। जैसे मैं आपको पहला डिजिट बताऊंगा, आपको दूसरा डिजिट जो है वो तुरंत बोल देना है, जो भी आपके दिमाग में आएगा, ठीक है? तो पहला डिजिट है 2। मुझे जो सोचना था वो मैंने सोच लिया। अब बारी मंगेश की थी, और अगर वाकई वो मेरा सोचा हुआ बता सकते थे तो ये मेरे लिए किसी अजूबे से कम नहीं होता। 3 क्यों बोला आपने? इस पे क्या लिखा है आप पढ़ सकते हैं? 23। तो आपको ऐसे कुछ दिमाग में आया, कुछ फ्लैश हुआ, आपका 3 बोलने का रीजन क्या था? 3 वैसे तो मुझे कभी भी कोई नंबर पूछता है मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली 3 निकलता है। और ये पहले तो मुझे पता नहीं था। नहीं, ये पहले आपने किसी को बताया नहीं था? किसी को पता नहीं था, बट समहाउ ये मैच हो गया। अगर ये जादू नहीं तो और क्या है? अगर ये आर्ट है तो कैसी आर्ट है जो मन को पढ़ सकती है? पुराने सवाल अपनी जगह पर रह गए, अब तो नए सवाल मन में आते जा रहे थे। हमें लगा हो सकता है काफी देर से बात करते रहने की वजह से महेश को हमारे सोचने समझने के तरीके का अंदाजा हो गया हो। हमने यही खेल अपने कैमरामैन के साथ करने को कहा। किसी और पे टेस्ट करने के लिए हम अपने कैमरा पर्सन से भी पूछ सकते हैं। आप कर सकते हैं एक और टेस्ट करने के लिए? हाँ, कोशिश तो कर ही सकते हैं कि ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं, ये किसके साथ करने वाले हम लोग? जैसे साई प्रसाद और वैभव दोनों हैं हमारे साथ। हाँ। और तो एक काम, हम थोड़ी सी जानकारी लगी मुझे साई के साथ। तो ठीक है साई, तुम्हारी बर्थ डेट क्या है? 23rd मंथ नवंबर। ओके ठीक है, 23rd नवंबर। तो फिर मैं चाहता हूँ कि ये ठीक है, ये पेंसिल आप रखिए। ओके, सेम चीज़ है, मैं पहला डिजिट जैसे ही बोलूँगा आपको दूसरा डिजिट चिल्लाना है। ओके, फर्स्ट डिजिट इज 4। 7 क्यों कहा आपने? क्लोज कॉल एक्चुअली 47। या मैं बताऊँ अब इनका रीज़न क्या था? ये थोड़ा सा रीडिंग होता है कि ही इज वेरी पेट्रियाटिक, उनको देशभक्ति वाला बहुत पसंद है। तो इनके माइंड में एक चीज आ गई कि मतलब ये हुआ तो उनके अनकॉन्शियस लेवल पे, बट 47 आ गया, जैसे कि इंडिपेंडेंस का अपना जो ईयर है वो उनके दिमाग में इमीडिएटली आ गया। मंगेश मुस्कुरा रहे थे, हम हैरान थे। कोई ट्रिक, हाथ की सफाई, कोई आर्ट समझ में आती है, लेकिन मन को पढ़ना वाकई अद्भुत था, अकल्पनीय। इसके बाद मंगेश ने आंखों की ताकत के जरिए चम्मच को मोड़ देने की बात कही, तो हमें लगा कि ये उनका पहले से तैयार किया हुआ कोई खास चम्मच हो सकता है। हमने उसे अच्छी तरह चेक करने का फैसला किया। तो ये एक स्पून मैं पहले देख लूं? हाँ देख लूं, तो रेगुलर स्पून है।
अभी देखकर तो इसमें कुछ भी नहीं लग रहा ऐसा कि मैं एक हाथ से भी इसे मोड़ने का सोच सकूं, दोनों हाथों से भी. स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी. इनफैक्ट अगर आपको कुछ लग रहा है कि इसमें है तो ऐसे भी नहीं, मैं इसको ऐसे पकड़ने वाला हूँ, ठीक है? और आप ध्यान से देखोगे ये वही चम्मच है जो बिल्कुल बेंड कर गया अचानक. क्या मैं देख सकती हूँ? टेम्परेचर में भी कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है. हाँ, अक्सर लोग मानते हैं कि कुछ हीट के वजह से वगैरह होगा, वैसे भी नहीं है. इनफैक्ट आप देखोगे इसको अगर आप हाथ से कोशिश भी करोगे तो मोड़ना आसान नहीं है. मैं देखूँ अपने तक? और अगर सीधा होगा भी तो ये शेप बदल जाएगा इसका बिल्कुल. सच कहें तो स्टील का मजबूत चम्मच मोड़ने का ऐसा कारनामा करने का दावा कई लोग करते हैं. अधिकतर मामलों में यह हाथों की सफाई होती है, लेकिन एक तो इसे मोड़ने से पहले और बाद हमने खुद परखा था, ऊपर से 3 कैमरों की नजर उन पर थी. समझ नहीं आ रहा था कि स्टील का यह चम्मच किसी मामूली तार या तिनके की तरह कैसे मुड़ रहा था. क्या ये दिमाग की ताकत थी? क्या ये सोच की ऊर्जा थी या हाथों की ऐसी सफाई जो हमारी आंखों से बच रही थी? तो हम यहां से निकलेंगे और इसके बाद हम चलते हैं, हम सड़क पर देखते हैं कि हम कहां जा सकते हैं. इनके घर के इर्द गिर्द बिल्कुल भी नहीं रहेंगे. अभी हम बांद्रा ईस्ट में हैं. हम लोकेलिटी बदलेंगे अपनी, हम किसी ऐसी जगह जाएंगे जहां पर ये कुछ जानते नहीं है. हम सोचते हैं, देखते हैं कहां रुकते हैं और वहां देखते हैं कि क्या वाकई माइंड पावर जिसे हम कह रहे हैं वो वाकई है या नहीं. चमत्कार, जादू, करिश्मा, हम इसी अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय दुनिया के सफर पर निकले थे. मंगेश का अगला इम्तिहान अब ऐसी जगह था जहां उन्हें कोई नहीं जानता था. तो हम इनके घर से निकलकर अब एक ऐसी जगह पर आए हैं जिसके बारे में आपको मालूम नहीं. आप यहाँ पर आए पहले कभी? पहले कभी नहीं आए यहाँ पर. चेंबूर का ये इलाका है और इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हम किसी एक रेस्टोरेंट को ढूंढने वाले हैं जहाँ पर हम जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पर लोग हैं बैठे हुए, ऐसे लोग जो इनसे परिचित नहीं है, हमसे परिचित नहीं है, और हम देखेंगे क्या उन पर भी ये सब लागू होता है. जो चीज़ें मैंने अपनी आँखों से देखी हैं, आपने अभी तक टीवी पर देखी है, वो चीज़ें हम उनके साथ आजमाते हैं और बेहद दिलचस्प हो सकता है. दोपहर का वक्त था लिहाजा भीड़ कम थी. मंगेश ने यहाँ पहुंचकर अपने एक दोस्त अक्षय लक्ष्मण को भी फोन करके बुलाया. मंगेश चाहते थे हम उनके भी कर्तव्य देखें. इंतजार करते हुए हमने मंगेश से यहाँ अपने कारनामे दोहराने को कहा. ये नई जगह आपके लिए? हाँ, इसके साथ भी कोशिश करें. नहीं, आप अगर आप कर पाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि आप वाकई कुछ अजूबा नहीं था. न होटल का स्टाफ उन्हें जानता था, न वो यहाँ कभी आए थे, लेकिन चम्मच मंगेश की आंखों और हथेलियों की ऊर्जा को ऐसे महसूस कर रही थी जैसे मंगेश के इशारे को समझ रही हो. इस बीच अक्षय लक्ष्मण भी रेस्टोरेंट पहुंच गए. हमारे पास कहने को कुछ नहीं था, लेकिन समझने को बहुत कुछ था. मंगेश के कारनामे अभी भी रहस्य बने हुए थे और अब अक्षय सामने थे कौतूहल की पूरी एक श्रृंखला लेकर. तो मैम, डू यू माइंड? गो अहेड. ओके, आगे बंद कर दीजिए सर. संजीव जी, मैम बस आपकी आंखों में पट्टी बांध देंगी अभी और फिर मैं एक तलवार निकालूंगा एंड दिस विल बी अ डिफरेंट शो ऑल टुगेदर.
संजीव जी अपना एक हाथ दाएं हाथ टेबल पर रख दीजिए, यहाँ पर सीधा। अब हम बोल के या कह के शब्दों का प्रयोग करके हम बातें नहीं करेंगे, पर हम साइन लैंग्वेज में बात करेंगे। इन अ मोमेंट मैं आपको बहुत हल्के से टच करने वाला हूँ, ओके? अगर आपको कहीं पर भी कोई टच फील होगा तो आपको कहना कुछ नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि आपको क्या महसूस हुआ, ओके? यू रेडी? ठीक है, तो अब सीधे वैसे ही बैठे रहिए, आँखें बंद रखिए। कुछ भी अगर आपको हल्का फुल्का कुछ भी कहीं भी महसूस होता है तो जस्ट कीप इट टू योरसेल्फ, याद रखिए, ओके? अपनी आँखें बिल्कुल बंद रखिए एंड सिर्फ उस टच पे फोकस कीजिए, ओके? मुझे बताइए आपको कहीं पे मैंने टच किया था? हाथ पे, ओके? और आपको कुछ पक्का दिखाई नहीं दे रहा है, राइट? पक्का। इवन फ्रॉम दिस पॉइंट अगर आपको कुछ भी महसूस होता है, फील होता है, तो आपको याद रखना है, ओके? मेक श्योर योर आईज आर कंप्लीटली क्लोज, सिंपली फोकस ऑन दैट स्मॉल टच। जस्ट टेल मी येस और नो, आपको मैंने हल्का सा कहीं और टच किया था? कहाँ पर? चीन पे। ओके, परफेक्ट, गुड। नाउ इनफैक्ट ये जो दायां हाथ आपने टेबल पे रखा है उसे टेबल पे से उठाइए, और लास्ट टाइम आपको कहाँ पे वहाँ पे टच हुआ था? जस्ट टच दे, आपको कहाँ फील हुआ था? चीन पे। कहाँ पे टच हुआ था आपको? चीन पे। हाँ रखिए वहाँ पे हाथ एक बार, और मुझे उस रखिए मुझे उस टच का मोशन करके दिखाइए कैसे फील हुआ आपको। हाँ करके दिखाइए अपने हाथ से, दैट्स व्हाट यू फेल्ट, ओके? संजीव की आंखों पर पट्टी बंधी थी, उन्हें कहीं से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। फिर ये क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था? क्या ये वाकई कोई दिमागी कनेक्शन था जो अक्षय के जरिए संजीव से जुड़ गया था? यो श्योर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था? कुछ नहीं। एंड यू डेफिनेटली फेल्ट अ टच ऑन योर चिन, ओके? मैं श्वेता जी से पूछना चाहता हूँ, श्वेता क्या मैंने इनको टच किया बिल्कुल भी? बट आई फील चीन में टच हुआ। मैंने इनके चिन को टच किया था। अक्षय शायद हमारे मन की उथल पुथल को समझ रहे थे, लिहाजा उन्होंने इसे एक बार फिर करने का फैसला किया, लेकिन पहले से थोड़ा आसान करके, क्योंकि इस बार महसूस करने की बारी हमारी थी। So you're ready? Okay. Can you touch her from there? हाथ ऐसे करके? No, right? Physically it's not possible for her to come that close. Okay. Now close your eyes. Keep your right hand in front of you. Right hand. यहाँ पर सीधा ऐसे. Okay. And अनुराधा आप भी अपना शॉक तो नहीं लगेगा ना पहले? नहीं, वो देते हैं, मैं नहीं देता हूँ। ठीक है, आपका राइट हैंड आपके सामने है, ओके? अनुराधा आपको टच नहीं करना है उनको, ओके? मैं कोशिश करूँगा आप दोनों के बीच में कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की, लेट्स सी इफ दैट्स इवन पॉसिबल। अगर श्वेता आपको कुछ भी महसूस होगा ना, हल्का से भी अगर आपको कोई टच महसूस होगा, तो आपको याद रखना है, आपको कहना कुछ नहीं है, बस याद रखिए आपको क्या महसूस होता है। बट इनफैक्ट मुझे बताइए आपको कहीं भी कुछ भी मैंने टच किया, कहीं पर भी, जब आपकी आंखें अभी बंद थी कुछ सेकंड पहले, कहां पर आपको महसूस हुआ? हाथ पर। ओके, लेफ्ट हैंड से मुझे बस यहां टच करके दिखाइए कहां फील हुआ आपको। सो दैट्स व्हाई यू फेल्ट इट। ओके, अब मुझे बस इतना सा बताइए, हाउ वुड यू डिफाइन दैट एज? एकदम थिन एज, एकदम फेदरी काइंड ऑफ अ टच, और वाज इट समथिंग वेरी हार्ड लाइक अ स्पून और अ फोर्क और समथिंग लाइक दैट? समथिंग लाइक हेयर, ओके? और जड़े उखड़ रही हैं इसकी लगता है, ओके? ओपन योर आइज, ओपन योर आइज नाउ श्वेता, आर यू श्योर यू फेल्ट समथिंग टच योर आर्म ओवर देयर? सी दिस इज व्हाट आई वाज डूइंग, आई हेल्ड द क्लॉथ इन माय हैंड एंड आई वाज डूइंग दिस टू हर एकदम जेंटली, एंड ये कैमरा पे हो चुका है रिकॉर्ड, तो आप देख सकते हैं इसे दोबारा। डिड आई टच एट ऑल? मुझे जो महसूस हुआ वो मैंने कहा, पर वहां मौजूद लोगों और कैमरे ने देखा कि अक्षय ने मुझे छुआ तक नहीं। अगर ये मेरा वहम था तो ठीक उसी जगह एहसास क्यों हुआ जहां अक्षय ने उस लड़की को छुआ था? आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहां क्या हो रहा है, राइट? ओके, नाउ श्वेता इफ यू फील एनीथिंग रिमेंबर इट, डोंट से इट, ओके? यू कैन सी इट, यू कैन कीप योर आईज ओपन, डोंट वरी, ऑलराइट? ऑलराइट, एंड ओके, श्वेता डिड यू फील एनीथिंग? टर्न अराउंड, this is where it might get interesting. Rudra, did you feel anything? Yes. Where did you feel it? Back pe. Kahan pe ek bar touch karke dekhenge? Yahan pe. Okay. So Shweta, aapko kya kiya tha maine? Back pe. Touch kiya tha, spoon mara tha. Lekin yahan jitne bhi log hain, unse aap pooch lijiye maine inko touch kiya tha kya? Unse pooch lijiye, wo to baithi hain yahan pe. Kisko touch kiya tha? Aapko. कोशिश करता हूँ मैं कि मैं आपके हाथ को या आपके माइंड को अपने माइंड से कंट्रोल कर पाऊँ, ओके?
आपके हाथ के ऊपर मेरा शैडो आ रहा है, आप लोग आपको दिख रहा है ना मेरे हाथ का शैडो आ रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको छू रहा हूँ या आपके हाथ के ऊपर मेरा शैडो है तो जस्ट अपने हाथ को जमीन पर ही रखिए, यहाँ टेबल पर ही रखिए, जमीन पर नहीं। एंड इफ यू फील कि कुछ हल्का हो गया यहाँ पे या कुछ यू नो लाइट हो गया, इफ यू फील दिस ओके सो जस्ट स्टार्ट लिफ्टिंग योर हैंड, ओके जस्ट स्टार्ट रेजिंग योर हैंड। This is where the fun begins. This is where the fun begins. This time instead of me, keep your hand. और आप इनकी vision, आपको अगर कुछ भी doubt आता है तो आप बस कहीं भी जहाँ आपकी मर्जी just control it whenever you feel like. हम खामोशी से ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये कोई माया जाल तो नहीं है जिसमें दिमाग उलझता जा रहा है। बहरहाल होटल का स्टाफ हैरान था, दूसरे कस्टमर आश्चर्यचकित थे। तभी मंगेश ने मुझसे ताश की गड्डी से एक पत्ता चुनने को कहा। आप एक कार्ड निकाल लीजिए, देख लीजिए, इनको मत दिखाइए, इनको दिखाइए। मैं आप बंद कर लेता हूँ, आप ऑडियंस को दिखा दीजिए। रख दीजिए वापस, दोनों सीधा उल्टा एक जैसा। हाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहाँ है आपका पत्ता अभी? कहीं बीच में। हाँ। बराबर पहला पार्ट पत्ता आपका ऊपर आता है। नहीं जादू नहीं ऐसे हाथ रखिए। एस ऑफ हार्ट दूसरा हाथ रखिए उसके ऊपर। बंद रखना, हाथ खोलना नहीं, कार्ड भूलना नहीं। एस ऑफ हार्ट और ये है जोकर। जोकर बिना हाथ खोले जो कार्ड आपने पकड़ा है हाथ में वो है एस ऑफ हार्ट्स। श्योर? एक काम, एक मिनट, धीरे से हाथ उल्टा कीजिए, देखिए खोल के कौन सा कार्ड अंदर। एक बार फिर देखिए, वो पत्ता मेरी हथेलियों के बीच था जिसे न तो मंगेश ने न किसी और ने छुआ, लेकिन वो पत्ता बदल चुका था। अब इसे अविश्वसनीय ना कहें तो और क्या कहें। लेकिन अभी मंगेश का सबसे बड़ा खेल बाकी था जिसके लिए उनकी आंखें होटल में मौजूद लोगों में से किसी को तलाश रही थी, और एक वेटर पर नजर पड़ते ही उन्होंने उसे बुला लिया। शुरुआत करने से पहले मेरे पास एक एनवलप है, ये आपके पास मैं रखना चाहूँ। कहाँ गए? हाँ, आपके पास। श्वेता जी आपके पास रखिए। सुभाष कोई भी एक चीज उठा लीजिए टेबल से, कोई भी एक चीज उठा लीजिए, ऊपर उठा लीजिए उन पांच आइटम में से कोई भी एक चीज, और जैसे आप उठाते बोल लो कि आपने उठा लिया करके। उठा लिया वो आपके ट्राउजर के राइट साइड के पॉकेट में आगे रख दीजिए, पैंट के आगे राइट साइड के जेब में रख दीजिए। रख दिया, दूसरा कोई एक चीज उठा लीजिए। इसको आपके पैंट के राइट साइड के पीछे के पॉकेट में रख दीजिए। रख दिया, और एक कोई चीज उठा लीजिए। उठा लिया, इसको आपके पैंट के लेफ्ट साइड के आगे के पॉकेट में रख दीजिए। रख दिया, अभी कितने चीजें बची हैं? दो, कोई भी एक उठा लीजिए। उठा लिया, इसको आपके शर्ट के पॉकेट में रख दीजिए। रख लिया, ओके। अभी एक चीज बची है, उसको उठा लीजिए। आपने ये चीज आप आपके हाथ पे बांध सकते हो, कलाई पे बांध सकते हो, तो कलाई पे बांध दीजिए उसको। फिर मंगेश ने मुझसे वो लिफाफा खोलने के लिए कहा जो उन्होंने मुझे खेल शुरू करने से पहले दिया था। मैंने जैसे ही वो लिफाफा खोला उसमें से एक पन्ना निकला जिस पर कई लाइनें टाइप की हुई थी। मैंने जैसे ही उस लिखे हुए को पढ़ना शुरू किया मेरे होश उड़ गए। पेन ट्राउजर के लेफ्ट फ्रंट पॉकेट में। ट्राउजर के लेफ्ट फ्रंट पॉकेट में क्या है आपके? पेन है, दिखा दिया, रख दीजिए, ओके। वॉलेट ट्राउजर राइट फ्रंट पॉकेट।
राइट फ्रंट पॉकेट में क्या है, वॉलेट ही है, निकाल ओके रखिए नीचे। मोबाइल ट्राउजर राइट बैक पॉकेट, ट्राउजर राइट बैक पॉकेट, मोबाइल रख दीजिए। हैंडकरचीफ टाइड ऑन द रिस्ट, हैंडकरचीफ हाथ पे आपके रुमाल है बराबर। एंड फाइनली आपका आपकी जो घड़ी आपके शर्ट के पॉकेट में घड़ी है, घड़ी है क्या? थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, आप बैठ सकते हो। ये इनका सामान वापस है, मैं ये पूछना छोड़ने वाली हूँ कि ये कैसे हुआ। जो कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ था वो उस कागज में पहले से दर्ज था, और वो हाथ से लिखा नहीं था बल्कि टाइप किया हुआ था। यानी मंगेश को मालूम था कि वेटर कौन सी चीज किस जेब में रखेगा, लेकिन कैसे? वेटर कोई भी सामान किसी भी जेब में रख सकता था, लेकिन वही हुआ जो मंगेश ने पहले से लिख रखा था। फिलहाल एक ब्रेक पर जाने का वक्त है, लौट कर आते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उन सवालों का जवाब जिनकी वजह से दिमाग की पत्ती गुल हो चुकी थी। टेलीकाइनेसिस या माइंड पावर में विश्वास करने वालों का अपना तर्क है। कहते हैं हम अपने दिमाग का केवल 10% हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, अगर बाकी 90% का इस्तेमाल करें तो करिश्मा कर सकते हैं। यही वजह है कि ऐसे अद्भुत कारनामों को किसी अनदेखी शक्ति से जोड़ कर देखा जाता है। हकीकत में दिमाग की ऐसी अद्भुत शक्ति को मापने के लिए दुनिया भर में अनगिनत रिसर्च किए गए, लेकिन कोई भी नतीजा ऐसा नहीं निकला जहां इसकी पुष्टि हुई हो। हम अक्षय और मंगेश के कारनामे देखकर हैरत में थे। लेकिन वो बार बार हमसे कहते रहे कि हम इसे कोई अलौकिक शक्ति न माने। ये दिमाग की शक्ति तो थी पर अभ्यास से मिली हुई शक्ति। दुनिया का कोई भी इंसान हो, अगर वो उतना समय इस आर्ट में डाले तो वो हर चीज कर सकता है जो हम कर सकते हैं। इट इज लाइक एनी अदर आर्ट। समझना मुश्किल था क्योंकि बिन छुए किसी को छूने का एहसास। क्या मैंने इनको टच किया? बिल्कुल भी नहीं, बट आई फील चीज में टच हुआ। मैंने इनके चिन को टच किया था, मेरे चीज में टच हुआ। आंखों के इशारे से नट को बोल्ट से अलग कर देने का कर्तव्य। हाथों के बीच से पत्ते बदल देने का करिश्मा। क्या ये केवल अभ्यास था या फिर वो हमसे कुछ छिपा रहे थे? अगर आपके अंदर ऐसी भगवान की कोई दी हुई शक्ति होती तो कोई 5 चीजें आप मुझे गिनाइए कि आप क्या क्या करती। गायब हो जाती। ओके। कहीं पर पहुंचने के लिए मुझे रोड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। ओके। दो, वहां पर पहुंच जाती। ओके। तीसरा, कोई भी विश पूरी कर दे, किसी की कोई भी विश पूरी कर दे। तीसरी और चौथी, मेरी इसमें ही काम चल जाएगा। तो 3 चीजें आपने बताई। अगर आपने नोटिस किया ध्यान से तो इन्होंने एक भी बार ये नहीं कहा कि मैं शोज करती। तो अगर आपको कोई ऐसी अद्भुत चीजें करते हुए दिख रहा है और वो शो कर रहा है या शो में दिखाई दे रहा है, दैट मींस कि वो आपके लिए कर रहा है, वो आपके मनोरंजन के लिए एक शो देने के लिए कर रहा है। क्योंकि वाकई में अगर किसी के अंदर ये दी हुई शक्ति होंगी तो ये सब टाइम पास क्यों करेगा? वो ये चीजें करेगा जो आपने कहा। बट सिर्फ शो नहीं, सिर्फ शो नहीं, ये जो बाबा वगैरह होते हैं जो चमत्कार करते हैं और कहते हैं कि उनके अंदर देवी शक्ति है, वो भी इनमें से कोई चीज नहीं करते। इसके बाद कुछ और समझने को बचा नहीं था। अक्षय सही थे। कितना अजीब है, लोग ऐसे कारनामों को देखकर अंधभक्ति में डूब जाने को तैयार रहते हैं। पर अक्षय और मंगेश का कहना है कि अंधविश्वास में मत डूबिए, इसे कला का सम्मान दीजिए। और ये कला भी तो अद्भुत है। ये कारनामा अविश्वसनीय, अभ्यास से ही सही ये करिश्मा अकल्पनीय है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि जादू को अपने चारों तरफ मत तलाशिए, जादू तो हम सब के भीतर है। लेकिन जो कुछ हमने आज देखा है उसकी वजह चाहे जो भी हो, वो है अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय। तो कैमरा पर्सन वैभव और साई प्रसाद के साथ
मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।